वहीं जिला कुल्लू में सुबह से हो रही भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसके साथ ही नदी नालों में पानी का उफान आ गया है। वहीं जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली के सोलनगंगनाला में उफान से एक बार फिर से अस्थायी पुल बह गया है। वहीं पुल पार कर रही एक महिला और तीन बच्चे इसमें बह गए हैं। तीनों पुल को पार कर रहे थे, उसी दौरान पुल पानी में बह गया और वो भी पानी की तेज धारा में बह गए। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने भी उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव में उनका कोई पता नहीं चल पाया। वहीं स्थानीय लोगों ने मनाली प्रशासन को अवगत कराया। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम भी मौके पर रवाना हो गई। वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा ग्रामीणों ने भी अपने स्तर पर नदी किनारे पानी में बहे महिला और बच्चों की तलाश शुरू कर दी। वहीं एसडीएम मनाली और डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने बताया कि एक महिला और तीन बच्चों के बहने की सूचना मिली है और उनकी तलाश भी शुरू की गई है। पुल निर्माण को लेकर भी विभाग के अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा।